स्ट्रॉबेरी लगाने का मौसम होता है उस समय ठंडा नहीं पड़ने से क्या हुआ, प्लांट की जो ग्रोथ है वो काफ़ी रुक गई। मैं सोची इस बार अच्छा होगा, लेकिन होते होते देख रही हूँ कि मेरा फार्म में इस बार बहुत ही लॉस होगा। किसानों को इस बार नुकसान का सामना देखना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी दुखजनक है। इस वक्त मैं उत्तरी बंगाल के दार्जिलिंग जिले के गांव में खड़ा हूं, जो स्ट्रॉबेरी के लिए जाना जाता है। यहां पर अगर आप साल के इस वक्त आएंगे तो आपको खेतों में लाल लाल सुर्ख स्ट्रॉबेरी मिलेगी और ऐसा मन करेगा कि इसे तोड़ें और तुरंत खा लें। लेकिन इस साल हालात बिल्कुल अलग हैं, खेतों से स्ट्रॉबेरी बिल्कुल गायब है और जो स्ट्रॉबेरी हुई भी है वो इतनी अच्छी नहीं है और क्वालिटी बहुत बढ़िया नहीं है, जिसकी वजह से किसानों को इस सर्दी में भी पसीना आ रहा है। अब इस साल ऐसा क्यों हुआ, कुछ किसानों से बात करेंगे और इस बारे में अधिक जानकारी लेंगे। स्ट्रॉबेरी जो लगाई हूँ 3 महीने में, मैं इसमें कमा लेती हूँ, मैंने अच्छी तरह अच्छी खासा मैं कमा लेती हूँ, इसलिए मैं इस बार लगाई। पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लगभग 15,000। जगह है मेरा 20 कट्ठा, आधा बीघा, तो इसमें मैं लगाती हूँ और मैं लगभग 3 महीने में 2 लाख आसपास कमा लेती हूँ। पर इस बार ऐसे हुआ, मेरा पूरा फार्म देखिए मरा हुआ हो रहा है। पता नहीं ये सीजन के कारण हो रहा है या वेदर के कारण हो रहा है या क्या के लिए हुआ, मुझको नहीं पता। लेकिन फार्म में जब लगाई उस समय मेरा पौधा बहुत ही सुंदर था, पर सुंदर हो अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैं सोची इस बार अच्छा होगा, लेकिन होते होते देख रही हूँ कि मेरा फार्म में इस बार बहुत ही लॉस होगा। 3 साल से मैंने कर रही हूँ और ये 3 साल का ये पहली बार है जो मेरा फल में इस तरह का कमी आ गया। এবার মনে করেন আমি 4 বছর যাবত এই ফসলটা করি, কিন্তু কোনো বছরে এরকম হয়নি। এবার মনে করেন গাছে প্রথম দিকে গরম ছিল, তার জন্যই কি না, কিন্তু দেখা গেল এবার গাছে গতিরোধ ভালো না। হ্যাঁ, গাছ ছোটো ছোটো রয়ে গেল, গাছ সবল হলো না। হ্যাঁ, আমার যত্ন যতটুকু করার আমি তো ঠিক করে যাচ্ছি অন্যান্যবারের মতো, কিন্তু এবার দেখা গেল গাছ মনে করেন এই যে কালো হয়ে যাচ্ছে, কোনো গাছ আপনার শুকায়া হ্যাঁ চিম্মন হয়ে যাচ্ছে। এবার দেখা গেল আমার বোধ হয় লসই যাবে, আমি 1,80,000 টাকা খরচ করছি, 5,000 চারা লাগাইছি, ডিপ বসাইছি, তাতে কি হবে আমি বুঝতে পারি না এখনো। এবার স্ট্রবেরি মে কিষানো কো বহুত জাদা লাভ देखने की उम्मीद नहीं दिख रही है। कारण दिख रहा है कि इस बार जो हमारे उत्तर भारत में जो शुरुआत में जो ठंडा का जो असर दिखता है नवंबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर में, वो इस बार काफ़ी गर्म रहा। उस समय जब हमारे किसान जब लगा रहे थे, जब स्ट्रॉबेरी लगाने का मौसम होता है उस समय ठंडा नहीं पड़ने से क्या हुआ, प्लांट की जो ग्रोथ है वो काफ़ी रुक गई। और नवंबर के लास्ट महीने में जब फ्रूटिंग आने का टाइम होता है तब तक गाछ का जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया, वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसके कारण प्लांट जो है फ्रूटिंग कंडीशन में चला गया। जब प्लांट का ग्रोथ ही नहीं होगा बढ़िया से तो फ्रूट कैसे बढ़िया आएगा। वेदर चेंज होने की वजह से जो सबसे बड़ी समस्या जो देखी जा रही है इस बार उत्तर भारत में स्ट्रॉबेरी के खेत में, कि इस तरीके की बीमारी ज़्यादा लग रही है। जो फल जो है वो फ्रेश ना आके ऐसे काले काले दिख रहे हैं और पत्तों में ये जो समस्या है पिंकिश कलर पे, जो पिंकिश कलर जो है पत्ते के बैकग्राउंड में, और पत्ता का ये जो रोग है झुलसा हुआ, देखिए हर एक काफ़ी फल में इस बार होने इस तरीके का, जिससे कि काफ़ी प्रोडक्शन में मार खा रही है। और ये नॉन सेलेबल, ये फल कोई नहीं खरीदेगा आपका, ये सब बेकार हो गया है।